तो दोस्तों मैं हमारे जो है चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, और कल उनका एक मैसेज आया था और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वीडियो देखने के बाद उनको जो है जॉब मिल चुकी है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी जियो के ऊपर, और जियो में उनको जो है जॉब मिल चुकी है। काफ़ी वो बहुत खुश हैं क्योंकि यार जियो जैसी कंपनी के साथ जुड़कर उनको जो है काम मिल चुका है। अब वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उनकी इनकम होनी भी शुरू हो जाएगी। उनका नाम मिस्टर अजीत है। अगर आप भी उस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं जियो ऐसी कंपनी के साथ घर बैठे, तो ऊपर आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं जहाँ पर ऑनलाइन जो मैं वेबसाइट बताता हूँ उसके थ्रू अर्निंग लोग करते हैं। तो यार मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वेबसाइट, अगर उससे किसी की अर्निंग हो रही है तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि मुझे लगता है यार जो मेरा मोटिव है वो सक्सेस हो चुका है। क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि हर किसी को जॉब मिले, हर किसी की अर्निंग हो, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो, ऐप के थ्रू हो, चाहे वो मेरे गिवे के थ्रू हो। तो खाली हाथ में किसी को नहीं जाने देता। अगर आप भी इस चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का बॉक्स उसको क्लिक कर कर बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यार आपको हमारी इस जॉब सीकर फैमिली का हिस्सा बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि जब आप इस फैमिली से जुड़ जाएंगे तो और लोगों की तरह आपको भी हमारी जो डेली अपडेट वीडियो हैं वो मिलेंगी टाइम पर। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग के अलग अलग मेथड वहाँ पे जान सकते हैं, चाहे वो ऐप के थ्रू हो चाहे वेबसाइट के थ्रू हो, और हमारे गिववे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिववे भी आपको जीतने का मौका मिलता है, उसमें 50 रुपये आपको इंस्टेंट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस आप वीडियो देख रहे हो ना कुछ आप कमा के जाओ। खाली हाथ में आपको किसी को भी नहीं जाने दूंगा, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात कर लेता हूँ आज की वीडियो की। गैस आज की वीडियो इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये सिर्फ पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मेहनत करना जानते हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ एक ऐप को डाउनलोड करके ये सोचें कि गेम खेल कर पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ वही काम कर सकता है जो सच में काम करना चाहता हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, काम करने के पैशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनको मेहनत करनी है, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जहाँ से वो सिर्फ आधे घंटे काम कर कर 1000 से 1500 रुपये ईजिली कमा सकते हैं। कुछ काम ही ऐसा है यार कि यहाँ पर आप कमा सकते। देखिए अब मैं बताता हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों आधे घंटे में आप 1000 या 1500 रुपये कमा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो नीचे एक आपको सबटाइटल चलता है। सबटाइटल का मतलब क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ आता है, इसे ही कहते हैं हम सबटाइटल। तो यहाँ पे यही काम है। काम इतना ईजी है कि आपको एक बार अगर आपने काम शुरू कर दिया ना, तो आप यकीन मानिए आपको काम करने में मज़ा आएगा, प्लस इनकम बहुत सारी आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो सुनना होता है और उसको नीचे इंग्लिश में लिख देना होता है। अब आप ये कहेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो में आगे बताया है, ट्रिक बताई है कि कैसे आपको उस लैंग्वेज को सुनकर आपको टाइप करना है। सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है, एक एक चीज़ मैंने आपको हर तरीके से बताई है ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपको इनकम होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे सोचें कि बिना काम करे पैसा कमा लें, तो होने वाला नहीं है भाई, सीधी सी बात है। मेरा काम है यहाँ पर आपको एक राह दिखाना, एक मंजिल दिखाना कि ये वो रास्ता है, यहाँ पे आप चलो तो आप उस मंजिल तक पहुँच जाओगे। लेकिन चलना आपको पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं आपको लेके भी अपने गोदी में बैठा के लेके जाऊँगा, तो वो तो नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरा काम आपको बताना है, आपका काम इम्प्लीमेंट करना है, उस पर काम करना है और वहाँ से अर्निंग करना है। बहुत लोग कर रहे हैं, सिर्फ वही कर पाते हैं जिनको सच में मेहनत करनी होती है। तो अब बिना देरी के मैं सीधे आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। उससे पहले हमारी जो कल की वीडियो की थी उसके विनर यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट है, बिल्कुल सही जवाब दिया था, हमारी तरफ से इनको है 50 रुपये का पेटीएम कैश मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट दिखाया है, इसको आपको मुझे टेलीग्राम में सेंड कर देना है, वहाँ से आप अर्निंग कर लेंगे। अब जो पहली बार आए हैं नहीं जानते हैं गिवे कैसे जीता जाता है, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि सर इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता देता हूँ। जब वीडियो शुरू होगी और जब वीडियो एंड होगी आपको अलग अलग जगह टेक्स्ट दिखाई देंगे, सिंगल सिंगल आपको उन टेक्स्ट को लिख लेना है अपने पास, और फिर उनको एक सीक्वेंस में लिख के एक वर्ड बनाना है। मतलब कि जंबल वर्ड सुना है ना आपने, कि उसमें टेक्स्ट आगे पीछे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
टाइगर, टाइगर की स्पेलिंग TIGER। अब आपको हो सकता है सबसे पहले आर मिले, फिर जी मिले, फिर आई मिले, फिर टी मिले, लास्ट में आगे पीछे मिलेंगे, आपको उनको सीक्वेंस में लिख देना है बस, और सबसे पहले कमेंट कर देना है। जो सबसे पहले कमेंट आएगा वो हमारा लकी विनर हो जाएगा, उसको 50 रुपये का पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो घर बैठे यार 50 रुपये आपको कमाने का मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी अर्निंग हो, और वो मैं करवा के रहूँगा, जिद्दी हूँ मैं, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अब बिना देरी के सीधे मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ऐसे क्या बात चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस वेबसाइट के बारे में जो कि आपको घर बैठे ही सिर्फ टाइपिंग का काम करना। गाइस काम बहुत इजी है और काम में आपको मजा भी आएगा अगर आप इस काम को सीरियसली लेंगे, और यहाँ से आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। टी प्ले मीडिया ये वेबसाइट का नाम है। गाइस देखिए काम यहाँ पर क्या है पहले मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ। काम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि YouTube पे या और भी कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब कोई वीडियो चल रही होती है तो नीचे एक सबटाइटल चल रहा होता है, मींस कि जो वो बोल रहे होते हैं वही नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। सिर्फ आपका काम भी यही है गाइस। काम देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि शायद कैसे मैं कर पाऊंगा, कैसे वहां टाइप करूंगा, क्या वो बोल रहा होगा, उसे मैं कैसे समझूंगा, ये सारी चीजें जब तक आप काम नहीं करते तब तक आपको लगता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे काम करने लग जाते हैं तो आपको यहाँ पर काम करने में बहुत मजा आता है, और साथ में ही बहुत अच्छी खासी यहाँ से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए वेबसाइट पे जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए कैप्चिंग का काम मतलब कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का काम है, यानी कि यहाँ पर एक वीडियो चलती है, नीचे यहाँ पर आपको एक टाइटल मिलता है, वो टाइटल आपको लिखना है, मीन्स कि ये जो बोल रहे हैं उसका यहाँ पर टाइटल आपको लिखना है, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही काम है, और भी यहाँ पर अलग अलग काम है। तो मैं अगर उनकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी है, अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं और उसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन है, सबटाइटलिंग है, लाइव कैप्शनिंग यहाँ पर है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको मेथड्स मिल रहे हैं अर्निंग करने के, एक गारंटी देते हैं कि यहाँ पे आपको काम मिलता है, काम के साथ आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। अब कैसे आपको यहाँ से काम करना है, कैसा पैसा कमाना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से आपकी अर्निंग होने वाली है। अब देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए थ्री प्ले मीडिया वर्क आउट ऑफ द बॉक्स, किन किन के साथ देखिए काम करता है थ्री मीडिया। यहाँ पे देखिए यूट्यूब, ड्रॉप बॉक्स, वीमो, जूम बॉक्स, कल्टूरा, कैनवा। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके साथ ये काम कर रहे हैं तो इनका कितना इम्पैक्ट है, यानी कि कितना इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूं ट्रस्टेड, तो कितनी ट्रस्टेड ये वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज साथ ये काम कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, सिंपली सबसे ऊपर देखिए जॉब्स का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको क्लिक करना है। जैसे आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए पूछा है ज्वाइन द थ्री प्ले मीडिया टीम, आपको थ्री मीडिया प्लेयर टीम के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पे एक पूछ रहा है कि एक तो फुल टाइम कैरियर आपको लेना है, या फिर आपका नीचे सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है वो है फ्रीलांस ट्रांसक्रिप्शन जॉब। हमें यहाँ पे फ्रीलांस ट्रांसक्रिप्शन जॉब चाहिए तो हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अप्लाई टू बी ए थ्री प्ले रिमोट वर्क फ्रॉम होम, घर से आपको काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे वहां से काम करना शुरू कर देंगे। अर्न वीकली पे चेक्स, आपको जो है वीकली यहाँ पे आपको पेमेंट मिलती है, अपने हिसाब से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्लाई टू बी एन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन या अप्लाई टू बी ए स्पेनिश, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। अगर स्पेनिश नहीं आती है, इंग्लिश में आप करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है सिंपली। अभी इससे पहले मैं नीचे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए अप्लाई टू ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वी आर लुकिंग फॉर ट्रांसक्रिप्शन एडिटर्स और कंटेक्ट वर्ल्ड टू ट्रांसक्राइब रिकॉर्ड ऑडियो एंड एडिट इम्पैक्ट ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आपको एक ऑडियो मिलेगा, आपको सिंपली उसको जो है टाइपिंग करके लिखना है कि जो क्या बोल रहा है, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम है। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको सारा वहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको जो है गूगल से ही इसको आपको सर्च करके लिख देना है, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी आप यहाँ पर इजिली काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी।
अभी सिंपल सा हम सबसे पहले चलते हैं ऊपर और यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई टू बी इन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन पे क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं अब ये पूछता है कि स्टार्ट न्यू ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे मैंने स्टार्ट न्यू ट्रांसक्रिप्शन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे है ईमेल एड्रेस, फिर आपको कंट्री नेम डालना है, यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये करने के बाद देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, फिर कंफर्मेशन ईमेल होगा, आपके मोबाइल नंबर आपके ईमेल एड्रेस पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा थ्रिपल मीडिया की तरफ से, तो उसको आपको ओके करना होगा। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि मेरे पास वो मेल आया है या नहीं आया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है, तो मैं आपको एक बार वो मेल दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने ये अपना अकाउंट लॉग इन करना है। तो गाइज ये काम बहुत ही ईजी है, काम करने के लिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत लगे कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें काम करते रहते हैं आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहता है और आप यहाँ पे इजीली वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, अपने जो मेल मेरे पास आई है थ्री प्ले मीडिया की तरफ से, उसमें देखिए वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना होगा और सीधे आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहाँ पे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार देख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे वो मेल मेरे पास आया हुआ था, यहाँ पे क्या था वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस विथ थ्री प्ले मीडिया, क्योंकि हमने यही ईमेल एड्रेस डाला था। यहाँ पे देखिए कोड दिया था, वो कोड मैंने डालकर उसको मैंने ओके कर दिया था। ये कोड भी ऐसे ही आपको मिलेगा, वो आपको डालकर ओके कर देना होगा। तो जब ये कर देंगे आप तो वहाँ से फिर आपका जो ईमेल है वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर भी कंटिन्यू एग्जाइटिंग एप्लीकेशन मेरा, तो मैंने वहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना वो ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, डालने के बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। तो आपको भी ऐसी करना है। अब यहाँ पे देखिए कोड मांग रहा है, क्योंकि वो कोड हम पे मेल पे आया था, तो वो कोड मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये कोड है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और इस कोड को मैं इस वेरिफिकेशन कोड में डाल देता हूँ और सबमिट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि कोड एक्सपायर हो चुका है, तो मैं रिसेंट कंफर्मेशन मेल पे मैंने क्लिक कर दिया है और एक बार दोबारा से कोड मेरे पास आएगा, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे मेल पर दोबारा कोड आया है या नहीं आया है। मैं अपने जी मेल ओपन कर लेता हूँ, इनबॉक्स पर जाता हूँ, ये देखिए आ चुका है। तो मैंने क्लिक करा कि जो ये कोड होता है ये सिर्फ 20 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है और वापस मैं अपने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इस कोड उसके बाद सबमिट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। हम देखिए कुछ यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो हम कर लेते हैं 6.275 दोबारा से चेक करते हैं मेल अपना हम। ये देखिए यहाँ पे जब मैंने मेल पे अप्लाई किया था तो मैंने डबल क्लिक किया था, हो सकता है ये दो बार मेल आई हो, तो मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए कोड अभी दोबारा से आया है, मैंने इसको कोड को कॉपी करा है और मैं वापस जाके यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सबमिट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा कोड वहाँ पे सबमिट हो गया, अब ये कह रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैंने वो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। ये लोकेशन मेरे से मांग रहा है, तो लोकेशन भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाली हुई थी, तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अभी स्पीड पूछी मेरे से कितनी है मेरी, मैंने लिख दिया 30 words per minute और ये इसने पूछा कि एक्सपीरियंस कुछ है, तो मैंने वो यहाँ पर डालकर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, गूगल सर्च कर दिया है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए अब मेन काम यहाँ से तो शुरू होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन दिस पेज यू विल बी टेस्टेड ऑन योर एबिलिटी टू ट्रांसक्राइब अ सीरीज ऑफ फाइल्स। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आप इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है फाइल 1, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं,
For the test, please use numerals for all the numbers. Use the dollars instead of the word dollars. For example, $3 होगा तो ऐसे लिखना है उसको. अब यहाँ पे ये ऑडियो है, इस ऑडियो को हमको सुनना है और सुनने के बाद जो वो डॉलर्स में जो वो बता रहा है उसको हम ऐसे लिखना है डॉलर्स में. ठीक है, तो देखिए एक बार मैं ऑडियो को ओपन करता हूँ. For instance, take a $100 deposit in a savings account that earns an annual rate of 5%. At the end of the year, $5 will be deposited into the account. For the next year, interest will be calculated on the total $105 instead of only the initial $100. For instance, यहाँ पे ये था जिसमें कि पूरा ये ऑडियो जो थी इसको हमको लिखना है. देखिए इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ. मैं इसके लिए गूगल पे जाऊंगा. यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर एक बार वॉइस से यहाँ पे चेक करेंगे कि वॉइस में क्या बोल रहा है. उससे पहले हम यहाँ पे करते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो चुका है. अब यहाँ पे इसको ऑन करके वो जो बोलेगा उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, एक बार देखते हैं करके. For instance, take a $100 deposit in a savings account that earns an annual rate of 5%. Songs at the end of the year, $5 will be deposited into the account. For the next year, interest will be calculated on the total $105 instead of only the initial $100. $105 instead of Mumbai, the initial $100. अभी देखिए $105 and $100 जो हमारे यहाँ पर थे, तो हमें ऐसे ही वहां पर ये $105 एंड $100 लिख देना है. अब वापस मैं जाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन वाली वेबसाइट पर. यहाँ पर मैंने कितना बोला $105 एंड $100, तो ये यहाँ पर लिख देना. अब दूसरी फाइल में क्या कह रहा है वो, फॉर द टेस्ट प्लीज लेबल द स्पीकर बिफोर दे बिगिन स्पीकिंग बाई यूजिंग देयर फुल नेम इन ऑल कैपिटल लेटर्स. जो भी वो फुल नेम बोलेगा उसको ऑल कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है. यहाँ पे हम सुन लेते हैं क्या है नाम है उसका. My name is Emmanuel Pratt. I'm Manuel Pratt. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेंगे Manuel Pratt. Co-founder, executive director of Sweetwater Foundation. Our tagline is "There grows the neighborhood." बस यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखना था. My name is Emmanuel Pratt. I'm Manuel Pratt. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे नाम दे रहे हैं वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. वो सिर्फ नाम पूछा तो सिर्फ नाम लिख दिया हमने. देखिए फाइल थ्री में क्या कह रहा है, फॉर द टेस्ट प्लीज यूज क्वेश्चन मार्क्स नॉट इटैलिक फॉर टाइटल ऑफ बुक्स आर्ट और म्यूजिक एंड रिसर्च एज नीडेड एज इंश्योर प्रॉपर नेम आर स्पेल्ड करेक्टली. क्वेश्चन मार्क्स शुड बी डबल एंड करली लाइक दिस. क्वेश्चन मार्क जो आप करेंगे उसको ऐसे डबल ब्रैकेट्स में हमको लिखना है, तो ये ध्यान रखना है आपको. Johannes Brahms was born on May 7, 1833 in Hamburg, Germany. His father, Johann Jacob, a double bass player in the Hamburg City Orchestra, taught Johannes piano from the age of 7. With additional tutoring by Otto Kassel and Eduard Marxen, Brahms' talent on the piano developed quickly. Johannes Brahms was born on May 7, 1833. Johannes Baum. So, Johannes? हमने उसका नाम पूरा लिख दिया. उसके बाद देखिए आप ना यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करके एक सुन लिए चांस ब्लॉक 33 ऐसे सुन के आप जो जो बोलता जा रहा है उसको सुनिए, स्टॉप कीजिए, फिर लिख लीजिए. ऐसे आपको करना है. उसके बाद सबमिट ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है. जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके पास यहाँ पर इनकी तरफ से एक मेल आएगा. उस मेल में ये बताया जाएगा कि आपका ये जो टेस्ट है वो आपका पास हो चुका है. जब आप पास हो जाएंगे तो फिर वहां से आपको एक फाइल मिलेगी ऑडियो या वीडियो, उस पर आपको काम करना होगा. इसी तरह से जैसे आपने अभी किया सेम ऐसे ही आपको वहाँ पे काम करना होगा. और इस काम का आप यकीन कीजिए कि आप एक घंटे में लगभग लगभग आप ₹1000 कमा सकते हैं गाइस. इतना पैसा इस ट्रांसक्रिप्शन के काम में मिलता है. तो आपको अभी देरी नहीं करनी, जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे करना है. ध्यान से जो बोल रहा है उसको आपको लिखना है, क्योंकि देखिए टेस्ट देने में कुछ नहीं जा रहा, आपकी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. आप एक बार अपना लक आजमा सकते हैं. अगर आपका यहाँ पे काम मिल गया तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं मिलने वाली है. थैंक यू गाइज. तो गाइज देखा आपने कैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ मैंने कोशिश करी है कि आपको समझा सकूं.
यहाँ पे अर्निंग करना शुरू में लग सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन जब आप यहाँ पे एक दो बार काम करना शुरू कर देंगे, वो टेस्ट पास कर देंगे और जब आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा, तो गाइस बिलीव मी आपको इतना मज़ा आएगा इस काम को करने में कि आप सोचेंगे कि और दुनिया में कोई काम इससे अच्छा है ही नहीं। क्योंकि यार क्या क्या बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, आपको करना क्या है, घर बैठे बैठे सिर्फ आपको वॉइस सुननी है और उसको टाइप कर देना है, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम, अच्छा खासा पैसा। तो अभी आपको देरी नहीं करनी है, जल्दी से आपको जो है उस वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई करना है और काम करना शुरू कर देना है। और अब ये देखिए वीडियो एंड होने वाली है ना, तो गिववे के लिए भी आप तैयार होंगे। आप नए हैं तो आपको शायद टाइम लगा होगा, लेकिन जो पुराने हैं ना, उन्होंने तो वीडियो देख भी ली होगी अच्छी तरीके से और लिख भी लिया होगा। अब वो सीधे उसका सीक्वेंस लिख रहे होंगे, कमेंट में अभी यहाँ पे लिख भी देंगे। तो आपको भी देरी नहीं करनी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सही आंसर और हमारी तरफ से 50 का बिटकॉइन कैश जीत जाइए। तो मिलता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी ज्वेलरी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।